मेरे ऑफिसर ने मिला और वो IIC है इलाके बोला। वो आपकी मदद करती है, वही पुलिस महिला की इज्जत लूटने लगे तो क्या होगा, वो भी सेना अधिकारी के सामने उसे जेल में बंद कर। खबर ओडिशा से, जहां पर आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ उन्होंने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है, उसके बाद उन्होंने यही नहीं मंगेतर के साथ यौन शोषण का। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों एक दर्दनाक खबर आ रही है उड़ीसा से। पहले मैं इस वीडियो में आपको मोदी जी का भाषण सुनवाऊंगा। 17 सितंबर को मोदी जी उड़ीसा में थे और उन्होंने महिलाओं के लिए एक भाषण दिया था। मैं चाहता हूँ ये मुख्तसर सा भाषण पहले आप सुने। महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये उड़ीसा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। उड़ीसा में एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके अपने घर जा रही थी और रास्ते में कुछ गुंडे मवाली उनको छेड़ते हैं। पेशे से वो खुद वकील है और उसका मंगेतर एक आर्मी ऑफिसर है। उसके पिताजी भी एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन थाने में जो कुछ उसके साथ हुआ ये बेइंतहा शर्मनाक है। मैं चाहता हूँ कि ये बयान आप उसी के जुबानी सुने। पकड़ के जोर से कुछ पीछे मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे प्लीज स्टॉप, मत पूछिए ऐसा, मत पूछिए। पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना भी उनको फाइट दे पाई या उनके हाथी के एंकल दिखे मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक डिप्टी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है, उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। मैं थोड़ी देर में मेल ऑफिसर होकर मेरा ब्लाउज उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया सर के जो स्टेशन के आईआईसी वो है उन्होंने मुझे उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना बिजनेस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। इसी तरह की एक घटना बंगाल में जब पेश आई थी, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है, तमाम देश में आंदोलन हुए थे और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और काफी दिन तक टीवी पे प्राइम टाइम में इस पर डिबेट हुए थे। लेकिन अब उड़ीसा में भाजपा की सरकार है जहां घिनौना ये कृत हुआ है। इस पर एक बयान सुनवाते हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनेत का, जिन्होंने इस पर आवाज उठाई है। लेकिन जब आप टेलीविजन खोलेंगे तो शायद इस पर किसी टीवी चैनल पर डिबेट ना मिले, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं चाहता हूँ सुप्रिया श्रीनेत को भी आप सुने, इससे आप इस पूरे मामले को समझ पाए। ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है, कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं, रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभक्त से जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उठ के बांध दिए गए, एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुलिस पुरुष कर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगार्मेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती उनके ब्रेस्ट पर किक करता है और यही नहीं अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। ये उड़ीसा में हो रहा है, उस उड़ीसा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है,
ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही है, सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। तो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे, उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है, ये जानना आज क्यों नहीं जरूरी? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं, क्योंकि दोनों विषय जो है वो मेरे हृदय के बड़े समीप है। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा, उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है, 2 आर्मी ऑफिसर, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे, और सब चुप रहेंगे, सुई तपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया, अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था, पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए और इस देश के सामने जिंदगी का इतना बड़ा वाक्य सामने आया है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुद्दे जरूरी हैं, इस मुद्दों पे बात होना चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो इनसे कोई हमारा सरोकार वास्ता नहीं है, तो आप बेशक सब्सक्राइब नहीं